नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भले ही भाजपा ने अपना प्रत्याशी जोड़ तोड़ से जितवा लिया हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का सपना आसानी से साकार नहीं होने वाला। भले ही भाजपा ने कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय विधायकों से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवा ली, लेकिन सुक्खू सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा को लोहे के चने चबाने जैसी हालत होती जा रही है। कांग्रेस के बागी 6 विधायक अगर पाला बदलकर भाजपा में शामिल भी हो जाते हैं तो उन विधायकों की सदस्यता तो जाएगी, साथ ही सुक्खू सरकार पर भी कोई संकट नहीं आएगा। भाजपा में जाने के बाद ये 6 बागी खुद ही विधायक नहीं रहेंगे तो भाजपा को बहुमत भी कैसे मिल पाएगा? ऐसा क्यों है, इसका पूरा गुड़ा गणित मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं। दरअसल भाजपा के पास 25 विधायक हैं। अगर 3 निर्दलीय विधायकों को जोड़ लिया जाए तो ऐसे में भाजपा के पास कुल 28 विधायकों का आंकड़ा बनता है। उधर कांग्रेस के पास 6 बागियों को हटा लिया जाए तो अभी फिलहाल 34 विधायकों का बहुमत है, बशर्ते इनके अलावा और कोई विधायक बगावत ना करे। अगर कांग्रेस 6 बागी विधायकों को बर्खास्त कर देती है तो विधानसभा का पूरा कुल आंकड़ा 68 विधायकों का नहीं बल्कि 62 विधायकों का ही रह जाएगा। ऐसे में विधानसभा में बचे 62 विधायकों के हिसाब से आधा बहुमत जोड़ा जाएगा और वो बहुमत का आंकड़ा होगा 32 का, जबकि 62 के हिसाब से भाजपा के पास निर्दलियों को मिलाकर 28 का आंकड़ा ही बनता है और कांग्रेस के पास 34 विधायकों का आंकड़ा पूरा बनता है। ऐसे में इस कंडीशन में भी कांग्रेस की सरकार कायम रहती दिख रही है। अब आपको दूसरी कंडीशन बताते और समझाते हैं। अगर 6 बागी विधायकों के साथ विक्रमादित्य सिंह भी आ जाते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए विक्रमादित्य को मिलाकर 3 और विधायक भाजपा में शामिल होने का मन बना लेते हैं, तब क्या सुक्खू सरकार पर कोई संकट होगा? नहीं होगा। 6 बागियों के साथ 3 विधायकों को मिलाकर 9 कांग्रेस के बागियों का आंकड़ा बनता है। इस कंडीशन में भी भाजपा सरकार नहीं बनाती दिख रही। ऐसा क्यों, जानिए। दरअसल 9 बागियों को हटा लिया जाए तो कांग्रेस के पास कुल विधायकों का बहुमत 40 से 31 का रह जाता है। भाजपा फिर भी 25 विधायकों पर ही सिमट रही है, 3 निर्दलियों को मिलाकर 28 पर ही रह जा रही है। ऐसे में अगर 9 विधायकों की बर्खास्तगी होगी तो कुल 68 विधायकों की जगह 59 विधायकों का आंकड़ा रह जाएगा। ऐसे में अगर 59 विधायकों का आधा बहुमत का आंकड़ा देखा जाए तो 30 का बनता है, तो 9 विधायकों के निष्कासन के बाद भाजपा 28 और कांग्रेस 31 पर रहेगी। इस कंडीशन में भी बहुमत कांग्रेस के पास ही होगा। हालांकि विक्रमादित्य सिंह साफ कर चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से दिक्कत है, ना कि सरकार और संगठन से। उधर विक्रमादित्य का इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू खुद बोल चुके हैं कि वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। ऐसे में साफ है कि भाजपा का हिमाचल प्रदेश में सरकार बना पाना कहीं से संभव नहीं लग रहा और सुक्खू की सरकार को कोई भी खतरा नहीं लग रहा। और तो और, बागी विधायकों को जो भी फैसला है उससे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को राज्यसभा चुनाव में ही फायदा पहुंचा है। अब बागियों को क्या कहें, ये बोल सकते हैं जो भी हलचल इन बागियों ने मचाई उसका खामियाजा उनको ही आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।